हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ये जो हमने एक टेबल बना रखा है, इस टेबल की ये लेआउट की ऑप्शन है हमारे पास। जैसे कि आप देख सकते हो, लेआउट की ऑप्शन है। इसके अंदर ये जो डाटा की ऑप्शंस है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो लेआउट के अंदर जो ये डाटा की ऑप्शन है, सॉर्ट ऑप्शन, रिपीट हेड रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, फॉर्मूला, इन ऑप्शंस को हम अपने टेबल में कैसे यूज़ करते हैं। तो सॉर्ट नाम से पता चल रहा है, पहले भी आपको इस ऑप्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ जब हमने होम की बात की थी, कि जब हमने अपने डाटे को अरेंज करना हो अल्फाबेटिकली तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ये टेबल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना ये टेबल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सॉर्ट ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपके सामने ये सॉर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है कि आपकी हेडर रो हैडर रो, माई लिस्ट हैज हेडर रो, इसको यस करना है, क्योंकि यानी कि टिक करना है, क्योंकि हमारे इस टेबल के अंदर हेडर रो है। तो हम हेडर रो को सॉर्ट नहीं करना चाहते, तो इसको टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ से आप देखोगे आपके जो हेडर रो के फील्ड हैं वो इसके अंदर नजर आएंगे, कॉलेज, न्यू स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट, चेंज। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि किस बेस पे आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो, कॉलेज नेम के बेस पे, और आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपने ओके करना है, तो आप देखोगे आपके ये जो नाम है ये सॉर्ट हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इस तरीके से हम ये अपनी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम सॉर्टिंग ऑप्शन यूज करते हैं जब हमें अपने डाटे को अरेंज करना होता है अल्फाबेटिकली। सॉर्ट के अंदर जाकर अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंजेस के बेस पे भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर दीजिए, तो ये चेंजेस के बेस पे यानी कि जो ये लास्ट फील्ड है इसके बेस पे इसने इसको सॉर्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसी तरह से मान लीजिए आपके इस ये जो आपका रो है यानी कि ये जो आपकी टेबल है जिसके अंदर रो कॉलम है, आपने बहुत सारे इसके अंदर रोज इंसर्ट कर रखे हैं। जैसे हम इसमें बहुत सारे कुछ रोज ऐड कर देते हैं, ये देखिए बहुत सारे रोज हमने ऐड कर दिए हैं, यानी कि कई पेजेस के ऊपर हमारी रोज हैं। तो जब हमारी कई पेजेस के ऊपर रोज होती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए जैसे हमारा ये पहला पेज है जिसके ऊपर ये हमारी हेडर रो है, जिसमें कॉलेज, नेम ऑफ स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, चेंज हमने लिखा हुआ है। नीचे चलोगे आप सेकंड कॉलम पे, ये देखिए ये हमारा सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारी हेडिंग के अंदर ये जो लिखा हुआ है कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, चेंज, ये हमें इस सेकंड के ऊपर भी चाहिए, इस थर्ड पेज के पहले यानी के रो के ऊपर चाहिए, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, पहली रो के अंदर जो ये हेडिंग है इसको सिलेक्ट करके ये जो ऑप्शन होती है रिपीट हेडर रो, इसका मतलब ये है कि ये इस हेडर रो को हर पेज के ऊपर क्या करेगा, रिपीट कर देगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे अगले पेज के ऊपर, ये देखिए अपने आप उसने रिपीट कर दिया, पहली रो के अंदर रिपीट कर देगा। तो जितने भी आपके पेजेस हैं हर पेज की पहली रो के ऊपर ये क्या करेगा, ये जो हेडर है आपकी अपने आप डाल देगा। तो अब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और आगे हमारे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इस ऑप्शन का हम कब यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम इस टेबल को थोड़ा सा सप्लिट कर लेते हैं, यहाँ से सप्लिट करेंगे और यहाँ से सप्लिट कर लेते हैं ताकि हम अपनी अगली ऑप्शन को समझ सकें। तो ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं हम उसको क्या करना चाहते हैं, इस टेबल में से निकाल के अलग पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं ये टेबल जो है रिमूव हो जाए और सिर्फ वैल्यू रह जाए। तब हम इस लेआउट के अंदर ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि हम अपने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि जब ये वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा तो बीच में जो गैप है वो उसके अंदर आपने क्या करना है, कॉमा डालना है या टैब रखना है या अदर, आप इसमें जाकर कुछ भी मार्क लगा सकते हैं। जैसे आप कोई स्टार डालना चाहते हैं स्टार डाल सकते हैं, या कुछ भी जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो हम कॉमा डाल देते हैं, उसके बाद आपने ओके करना है। तो ये देखिए आपका टेबल खत्म हो जाएगा और जो टेबल के अंदर वैल्यूज थी वो कॉमे के साथ आपको दिखाएगा, यानी कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के जरिए। और इसके बाद अगला है फॉर्मूला। तो जब हमने अपने
टेबल के अंदर फॉर्मूला कोई अप्लाई करना होता है, जैसे कोई टोटल लगाना है, जैसे ये देखिए ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इनका हम नीचे यहाँ पे टोटल लगाना चाहते हैं, ये ऑलरेडी टोटल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल लगाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे कर्सर रखना है, फॉर्मूला में जाना है, और यहाँ पे ये हमें दिखाएगा फॉर्मूला सम अबव। अबव का मतलब हमने जो ऊपर की वैल्यूज हैं उनका टोटल लगाना है। तो जिस वैल्यूज का आपने टोटल लगाना है, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू का टोटल लगाना है यहाँ पे लेफ्ट लिख दीजिए, अगर राइट साइड की वैल्यू का टोटल लगाना है राइट लिख दीजिए, तो ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम अबव लिख के ओके करेंगे, तो आप देखोगे इसने ऊपर की वैल्यूज का टोटल लगा दिया है। और ऐसे ही फॉर्मूला के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे अबव लिखा हुआ है, सम करना चाहते हैं आप सम कर सकते हैं, और इसके अंदर ऑप्शन होती है पेस फंक्शन। यहाँ पे सारे फंक्शन पड़े हैं जिनको आप अच्छी तरह से एक्सेल में सीखोगे, तो आप अभी यहाँ पे ये सम फंक्शन देख सकते हो, और एवरेज फंक्शन, यानी कि अगर आपको एवरेज निकालनी है सम की जगह, तो हम इस सम को डिलीट करके एवरेज और यहाँ पे अबव लिख देते हैं, ओके कर दीजिए, तो ये ऊपर की जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज निकाल देगा। तो ऐसे हम ये फार्मूला ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।